सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन का कौन कौन सा गोनाडोट्रोफिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, यही दोनों हार्मोन मेनली रिलीज होता है और यही स्टिम्युलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट्स, ठीक है, एंड सिक्रेशन ऑफ क्या, एस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हमको दिखेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो ये कम ज़्यादा हम देखेंगे। अभी पहले हम देखेंगे FSH फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है बहुत कम रहता है, देख रहे हो, उसके बाद जब 14th होता है, 14th यानी कि ओव्यूलेशन, उस टाइम में पिक हो जाता है उसका, बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका हार्मोनल अमाउंट, उसके बाद फिर से कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन के केस में क्या होता है, कम रहता है मेंस्ट्रुअल फेज में, फॉलिकुलर फेज में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एंड देन क्या होता है, एस्ट्रोजन, देखो एस्ट्रोजन कितना ज़्यादा है, कब ज़्यादा है, 14th यानी कि ओव्यूलेशन के पीरियड में बहुत ज़्यादा है, बट उस टाइम में प्रोजेस्टेरोन देखो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन बढ़ने लगता है बट एस्ट्रोजन कम घटने लगता है, तो उसके बाद फिर से ऐसा बढ़ने लगता है। ये जब ये मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं, एक्चुअली सारा कुछ कौन रेगुलेट कर रहा है, हार्मोन। अगर हार्मोन ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम में ओव्यूलेशन में ये क्यों क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, ओव्यूलेशन में वो हेल्प कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा है, ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा है यानी कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है तो ओव्यूलेशन में हेल्प होगा, ओके। सो ये सारा कुछ हार्मोनल रेगुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा गया है, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल, यानी कि 14th डे में LH एंड FSH बहुत एक पीक लेवल उसको मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है हार्मोन उस टाइम में। सो रैपिड सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज, या तो क्या होता है, जब ज़्यादा होता है हार्मोन, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH हार्मोन पीक लेवल में आ जाता है, तब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो रैप्चर होता है, और रैप्चर हो जाने के बाद क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम, ओवम को रिलीज करता है ओव्यूलेशन, उसको ही ओव्यूलेशन बोला है। इसीलिए ओव्यूलेशन कौन से दिन में होता है, 14th डे में होता है, क्योंकि 14th डे में क्या होता है, LH एंड FSH ज़्यादा होता है, पीक लेवल पे होता है, ओके। और वो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर में हेल्प करता है, रैप्चर यानी कि ओवम रिलीज में हेल्प करता है, ओके। सो ऐसे ही हार्मोनल हार्मोन्स सारा कुछ मेंटेन करता है, सारा कुछ रेगुलेट करता है।